सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का जो सबसे फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, वो है आप लोग का रिफ्रेंजिबिलिटी। देखिए, रिफ्रेंजिबिलिटी मिस्टर है फ्रेंड्स, प्रतिबिंब करने की शक्ति। ओके, यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स, वो है आप लोग का रिफ्रेनेशन। रिफ्रेनेशन मिस्टर है फ्रेंड्स अवरोध या फ्रेंड्स रुकावट। ओके फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आप लोग का आर का पार्ट 108। यहाँ पर जो तीसरा वर्ड फ्रेंड्स रिफ्रेश, रिफ्रेश तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि ताज़ा करना होता है या फिर से ताज़ा बनाना। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फिर से ताज़ा बनाना या ताज़ा करना। रिफ्रेश के आगे हम लोग ई आर जोड़ेंगे तो रिफ्रेशर हो जाएगा। रिफ्रेशर मिस होता है फ्रेंड्स ताज़ा करने वाला। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग मिस होता है स्फूर्तिदायक, RESHING। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट मिस होता है अल्प आहार या फ्रेंड्स जलपान। ओके, रिफ्रेशमेंट के आगे हम लोग रूम जुड़ेंगे फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा आप लोग का जलपान गृह। ओके, इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स, वो है आप लोग का रिफ्रेश्ड। इसका मतलब होता है विश्रांत या ताजा। ओके, विश्रांत या ताजा, रिफ्रेश्ड। सो गाइस, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला बताएं आप लोग को रिफ्रेंजिबिलिटी, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब करने की शक्ति। रिफ्रेनेशन में होता है फ्रेंड्स अवरोध या रुकावट। रिफ्रेश जो कि ताज़ा करना या फिर से ताज़ा बनाना। रिफ्रेशर ताज़ा करने वाला। रिफ्रेशिंग में होता है स्फूर्तिदायक। रिफ्रेशमेंट अल्प आहार या जलपान होता है। रिफ्रेशमेंट रूम में होता है फ्रेंड्स जलपान गृह। और जो लास्ट वर्ड बताएं आप लोग को रिफ्रेश्ड, विश्रांत या फ्रेंड्स ताज़ा होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं आप लोगों से आर का 109 पार्ट में।